हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें जो कि लीनियर अलजेब्रा पर बेस्ड है और ये क्वेश्चन आईआईटी जेम में पूछा गया था। कोई ऐसे क्वेश्चन सीएसआर नेट गेट भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज अ बेसिस फॉर द सब स्पेस दिस। तो इनमें से कौन सा सेट इसका बेसिस है, इस सब सेट का, सब स्पेस का। तो देखिए, हमें इस एंट्री को फिल करनी है, एक्स वाई टी। तो किसी भी वेरिएबल को किसी के फॉर्म में आप डिपेंड करा दो और फिर वो वेरिएबल को कॉमन निकाल लो, जो अंदर बचेगा वही इसका बेसिस हो जाएगा। तो देखो, इसको सॉल्व करते हैं। देखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन ही करना है, सिस्टमेटिक तो करना ही नहीं, क्योंकि हमें आंसर से मतलब है, एग्जाम में थोड़ी ना कर रहे हैं। तो वाई प्लस टी को अगर जीरो के इक्वल हमें दे रखा है तो वाई की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस के टी। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, एक्स प्लस टू वाई प्लस टी इक्वल टू जीरो। तो वाई की वैल्यू क्या है, माइनस के टी, यानी कि ये हो जाएगा माइनस के टू टी प्लस के टी इक्वल टू जीरो, यानी कि वाई माइनस टी इक्वल टू जीरो, यानी कि वाई की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी ये एक्स था, एक्स की वैल्यू क्या आ गई टी, एक्स की वैल्यू टी आ गई, वाई की वैल्यू माइनस टी, और टी तो ऑलरेडी है तो सारे वैल्यूज हमने टी पर दिखा दिए। तो डब्ल्यू जो हमारे यहाँ पर मेम्बर थे, एक्स वाई जीरो टी, तो वैल्यू पुटअप करोगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू टी माइनस टी जीरो टी, टी कॉमन निकालो तो वन माइनस वन जीरो वन, तो ये हमारा बेसिस हो जाएगा। तो ढूंढो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जा रहा है, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। तो ऐसे ही मैंने ढेर सारे क्वेश्चन करा रखे हैं जिनकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके उन वीडियोस को देखिए, वो आपके स्टडी में बहुत हेल्प करेंगे। सीएसआर नेटगेट के भी क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं जो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे।